नमस्कार, मैं वरुणा लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम आपको विकास के विभिन्न पहलुओं से रूबरू करवाते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए, पेश है हिमाचल विकास डायरी। गत दिनों हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूर्व विद्यार्थी वृद्ध समागम 2022 आयोजित किया गया, जिसमें सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और पूर्व विद्यार्थी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अनुपम खेर और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को एलुमनाई ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, कहां से चले थे, कहां पर, कैसे बनकर देखे, कैसे रास्ते, कब गिरे, कब उठे, कब चले, किसने साथ दिया, किसने छोड़ दिया, सब इसी साथ पे चलते चलते कारवां चलता। और वही कहानी इस विश्वविद्यालय की। यह विश्वविद्यालय एक पहाड़ी पर जीर्ण अवस्था के कई मकानों में चलने वाला विश्वविद्यालय था। मैं इस विश्वविद्यालय से शैक्षणिक अवस्था से जुड़ा हूं। 70 में एग्जिस्टेंस हुआ और 80 में मैं इसका विद्यार्थी बन गया। 1980 में आई वाज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। 11 डिपार्टमेंट्स का था ये विश्वविद्यालय। आज मुझे बताया गया है कि लगभग 44 डिपार्टमेंट्स, 242 बीघा में फैला हुआ ये विश्वविद्यालय है। तो मैं कहूँ 16 एकेडमिक चेयर्स हैं यहाँ पर, रिसर्च स्टडीज हैं और लगभग 135 एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, जीवन ऐसा जीवन जिसको आदमी कभी भूल ही नहीं सकता है, अपने से जुदा कर ही नहीं सकता, वो याद है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कैंपस के अंदर जो जिंदगी का जो वक्त गुजरता है एक छात्र के, कुछ भी मिल जाए, कहीं भी याद पहुंच जाए ऊंचाई पर, लेकिन वो चीज आपको कभी हासिल ही नहीं सोचती है। उस चीज के लिए आप कभी जो है वो उसको भूल ही नहीं पाते हैं। जितना आनंद वो वक्त देता है, वो इसके सिवाय कोई और चीज इतना आनंद आपको दे ही नहीं सकता है। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे बेहतरीन जिंदगी का वक्त कौन था, तो हम कहेंगे जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जब हम था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने 8,95,00,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाले एलुमनाई भवन का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर उन्होंने समर हिल पैनोरेमा स्मारिका और एलुमनाई वेब पोर्टल को भी जारी किया। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला जिला के ठियोग विधानसभा का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में 82 करोड़ रुपए की 19 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस अवसर पर ठियोग में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने 150 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल ठियोग को 200 बिस्तर क्षमता में स्तरोन्नत करने, मतियाना और बड़ा गाँव में उप तहसील खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, ठियोग की पहचान जो है घाटों के नाम से जानी जाती है। 5 घाट यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, रही घाट, जनो घाट, प्रेम घाट, बगा घाट और देवरी घाट। यह ऐतिहासिक स्थान है यहाँ के। हम तरक्की की राह पर कितने भी आगे बढ़े, लेकिन अपना मूल नहीं छूटना चाहिए। अपना मूल संस्कृति, संस्कार, जहाँ से हम शुरू हुए थे, ये बहुत आवश्यक है। आज हम अगर पूरे देश भर का 75 वर्ष आजादी का मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में, वहाँ हमारे लिए सौभाग्य की बात, हम हिमाचल प्रदेश के भी गठन के 75 वर्ष मना रहे हैं। गत दिनों सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर शामिल हुए। इस अवसर पर भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, हमने इस देश को विकसित भारत बनाना है और विकसित हिमाचल बनाना है, इसके लिए हमको काम करना है। हमको आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना है। गुलामी का अंश मानसिकता में होता है। जब हमको भारत से अच्छा कोई दूसरी भूमि दिखती है,
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, जहां आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश के भी अस्तित्व के गठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था और उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कम हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के अस्तित्व के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 बड़े इवेंट हम तय करेंगे, जहां पर जाकर के हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई भी देंगे, हिमाचल प्रदेश की जनता के योगदान को भी स्मरण कराएंगे। ये हमने तय किया, सबसे बड़ा योगदान अगर हिमाचल प्रदेश की इस 75 वर्ष की यात्रा में रहा है, वो योगदान हिमाचल प्रदेश के मेहनत कर सभी भाई और बहनों का रहा है। किसान, बागवान, एक अध्यापक, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर हिमाचल प्रदेश में को अपना सहयोग दिए हैं। मुझे लगता है कि अब ये श्रेय अभी जाना चाहिए, उन सब भाई बहनों को जाना चाहिए, आप सभी को जाना चाहिए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पांवटा साहिब के प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका। उन्होंने शहीद स्मारक का भी दौरा किया और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह नए अंक के साथ इसी समय इसी दिन फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।